यहाँ पे बस भी नीचे गई थी खाई में, तो काफी ज्यादा रिस्की है यहाँ पे। कह रहा था कि प्रॉपर नीचे चली गई थी, सब कुछ ही खत्म यार। गाइस नीचे उतरते वक्त क्या ही कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है, अंदाजन ही लेना पड़ रहा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। गाइस आई नो काफी टाइम के बाद एक्चुअली वीडियो आ रहा है, बट सॉरी फॉर दैट। एंड मॉनसून स्टार्ट हो चुका है गाइस, एज यू नो गुजरात में तो काफी ज्यादा बारिश है। तो आज हम लोग निकले हैं एक मस्त सी ब्रेकफास्ट राइड ड्राइव पे, लाइक ब्रेकफास्ट ड्राइव तो क्या ही कहे, अभी बज चुके हैं 11:30, बट अपने को जाना है सिर्फ कुछ अराउंड 170 किलोमीटर स्पेशली पोहा और मैगी और ये सब कुछ खाने के लिए हिल स्टेशन की तरफ। तो आज हम लोग निकल चुके हैं, सडनली ही प्लान बना लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना बारिश भी हो रही है, मौसम भी मस्त है, तो निकलते हैं आज, क्योंकि अभी धीरे धीरे अपन ट्रैवल सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं एंड थोड़ी सी बारिश कम होए बाद में तो क्रेजी कॉन्टेंट है गाइस, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन एंड निकलते हैं आज हम लोग एक हिल स्टेशन की तरफ। और हिल स्टेशन का नाम तो क्या ही बताना, हर बार जाते रहते हैं, बट मैंने सोचा क्यों ना आज जाते हैं, क्योंकि वहाँ के पोहा खाने का मज़ा ना अलग ही है, क्योंकि हर बार हम लोग जाते हैं शिरडी और त्रिम्बकेश्वर साइड, तो हम लोग वहाँ से पोहा तो ज़रूर खाते हैं। तो आप लोगों को मालूम ही है लोकेशन एंड वेदर भी काफ़ी क्रेजी हो रहा होगा, तो चलते हैं वहाँ पे। बट पहले हम लोग क्या करते हैं, रास्ते से कुछ लेते हैं अपन लाइक ब्रेकफास्ट के लिए, और रास्ते में रुक के खाएंगे मज़ा आएगा, तो पहले पार्सल करवाते हैं कुछ। और गाइस आप लोग देखिए बारिश यहाँ की, लाइक दो दिन पहले कुछ भी नहीं थी बारिश, अभी एकदम हैवी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। एक बार तो आके चली गई थी, बीच में रुक गई थी, बट आज देखिएगा इस क्या ही प्यारा मौसम हो रहा है। ऐसे जगह पे ट्रैवल करना पहाड़ों में ना इस मौसम में अलग ही लेवल का फन है। सो गाइस देखिए हर एक जगह में पानी भरा पड़ा है। यह रहा अपना मुंबई वाला हाईवे एंड चिखली में एंटर होते ही आप लोगों को लेफ्ट साइड पर यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए बॉड जलाराम कमन हाउस, तो अपने को जाना है वहाँ पे, पर यहाँ पे खड्डे वड्डे किधर भी हो सकते हैं, तो देख के चलाना पड़ता है, अदरवाइज अपनी सीडान है तो वो ही देखिए बीच में खड्डा और पानी भी जा रहा है अंदर से। देखिए यहाँ का भी हर एक पार्किंग फुल है गाइज, और पार्किंग में और बारिश इतनी ज्यादा स्टार्ट होगी कि वहां पे जाएंगे अपन लेने के लिए तो वहां जाते ही भीग जाएंगे, तो इससे अच्छा कि इसको बेचते हैं और मैं कार में ही बैठा रहता हूँ, वो ही अच्छा रहेगा, तो कार में बैठे बैठे आ भी जाएगा और भीगेगा भी एक ही बंदा, वैसे नज़दीक से तो क्या ही भीगेगा, बट जाके देखते हैं कि रखने देते हैं कि रोड पे नहीं। सो गाइस 150 घंटे बाद अपना नंबर लगा खमन भजिया में, 11 बजे हम लोग आए थे, 12 बज चुके हैं यहाँ पे, 11:30 बजे समथिंग आए थे, और बारिश देखिए आते वक्त तो कुछ भी नहीं था, बट आगे देखिए क्या ही गजब का पानी है, आप लोगों को दिखा था। और ये सब कुछ हमने पार्सल करवा लिया रास्ते में खाने के लिए, बट रास्ते में बारिश खाने देगी मेरे को नहीं लगता, क्योंकि आप लोग देखिए बारिश गई, सब कुछ भर चुका है यहाँ पे यार, कि यहाँ पे बीच में वो कुछ पड़ा है, वहाँ पे खड्डा था, इसी कारण लगा रखा है वो लोगों ने, अदरवाइज कोई भी कार अंदर घुस जाती है, हम भी बचे थे साहब बीच में, बट देखिए अभी भीगना तो पड़ेगा आज पूरे का पूरा, बट मॉनसून देखिए अभी ऑफ रोडिंग देखिए ये बट मज़ा आएगा, कुछ एडवेंचरस होगा आज अपना ऐसा लग रहा है, बट अभी देखते हैं आगे जाके क्या ही सीन बनता है सापुतारा वाले रोड पे। और गाइस रास्ते में भूख ही इतनी लग गई, अभी क्या ही कर सकते हैं, बारिश देखे तो हम लोगों ने अपना रेस्टोरेंट यहाँ पे ही खोल दिया, देखिए अभी रास्ते की मजा कार में ही लेनी पड़ेगी, लेकिन बाहर देखिए गाइस क्या ही गजब का वेदर है। नमन भाई को बोला था मैंने मॉनसून में आना, बट अभी नमन भाई आएगा तो और भी मज़ा आएगा, तो वो शायद से हेलक्स लेके आएगा तो और भी ट्रिप में मज़ा आएगा, देखते हैं अभी उनका क्या प्लान बनता है, बट अभी तो एंजॉय करते हैं अपनी बेटा का पूरी, क्योंकि रास्ते में तो मेरे को लगता नहीं है कि किधर भी हम लोग रह पाएंगे, क्योंकि किधर भी स्टॉप नहीं ले पाएंगे, बारिश ही बारिश है, और ऊपर पहाड़ों में तो नेक्स्ट लेवल वाली बारिश होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है महाराष्ट्र में जितनी बारिश हुई इतनी गुजरात में अभी होने तो वाली है डेफिनेटली। तो आज से स्टार्ट ही हो चुकी है, एक्चुअली कल से ही स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं क्या ही गजब की बारिश यार, ड्राइविंग का मज़ा आता है बट विजिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए गाइस यहाँ के रोड्स काफ़ी मस्त बन चुके हैं, पहले तो वन वे था, लाइक उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट का वो रहता था चांस, बट अभी भी है हालांकि, देखिए अभी रोड्स का काम चालू है क्योंकि बारिश में यही सीन होता है, बट रोड काफ़ी मस्त है गाइस, बट यहाँ पे एक ही सीन है कि ओवर स्पीडिंग बहुत करते हैं लोग, लाइक रिटर्न में तो क्या ही लोगों को चूल मचती है ना मालूम नहीं, एक्सीडेंट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं, बट जैसे ही तारीफ करी खड्डे आने स्टार्ट हो चुके हैं, किसी भी चीज़ की ज़्यादा तारीफ करनी नहीं चाहिए, वो तो मैंने देख लिया, खड्डे आते हैं या फिर धोखा मिलता है, तो ऐसा ही सीन है। देखिए जंगल वंगल यहाँ का, अभी हमारा प्लान ये था कि यहाँ पर रुकेंगे रास्ते में, बट अभी रुक तो सकते ही नहीं है क्योंकि बारिश है,
और गाइस यहाँ पे इस रोड पे ना इतने ज्यादा बंदर थे ना, अभी दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि बारिश की वजह से मस्त से छुपे हुए हो गए अंदर जंगल में। और ये जंगल भी कुछ नॉर्मल नहीं है, काफी बड़ा है वैसे, बट यहाँ पे लायन वायन टाइगर वाइगर का कुछ वो नहीं रहता है, बट हाँ लेपर्ड और एल सब कुछ आते हैं, पर ऐसे जितने को देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे गांव वाले को देखने को मिलता होगा शायद, बट अभी बारिश कम हुई है तो रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढते हैं आगे, क्योंकि अपने पास तो काफ़ी पड़ा हुआ है खाने के लिए। और भजिया वजिया तो नॉर्मली खा लिया था हमने कार में, बट जो मेन सामान है अपना वो तो पीछे ही पड़ा है खाने के लिए, तो देखते हैं आगे रास्ता मिलता है कुछ जगह। और गाइस यहाँ से आप लोगों को बताता हूँ, एक्चुअली वो गए कि यहाँ पे आओगे ना आप लोग सर्कल पे, तो यहाँ पे आप लोग लेफ्ट मारोगे ना आप लोग सीधे निकल जाओगे अपने डॉन हिल स्टेशन की तरफ, वो भी काफ़ी क्रेजी प्लेस है, आप लोग जा सकते हैं उस रोड पे, बट अपने को सापूतारा जाना है तो राइट मारना पड़ेगा। और यहाँ से ही नज़दीक में गीरा दूध भी आएगा, क्योंकि हम लोग गीरा वाटरफॉल आज तक गए नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। बट हाँ वो डॉन हिल स्टेशन वाला भी काफ़ी मस्त है, आप लोग एक बार तो जा सकते हो वहाँ पे भी। और गाइस ऐसे रोड देख के मन करता है कि लाइक लगता है कि हाँ अभी आ चुके हैं हम लोग जंगल में प्रॉपर। रोड देखिए गाइस क्या ही मस्त है ना, लाइक अभी वाइपर को बंद कर दूँ आप लोग देख सकते हैं, बट बारिश ही इतनी है कि वाइपर चलाना ही पड़ता है एक एक सेकंड में। सैकड़ों साल वेट करने के बाद अभी हम लोगों को स्पॉट मिला यहाँ पे खड़े रहने का। बारिश तो बंद होने का नाम ले नहीं रही है, बट यहाँ पे एक अच्छी जगह मिल गई, लाइक कार को पार्क कर सकते हैं हम लोग इजीली। और गाइस देखिए यहाँ का व्यू काफ़ी मस्त है, और आप लोगों को यहाँ चेक करो गाइस प्रॉपर पानी आ रहा है ऊपर से देखिए, तो ये पानी को यूज़ भी करते हैं यहाँ के लोग, लाइक अभी नहीं करते क्योंकि ऊपर अभी तो ऊपर एक्चुअली प्रॉपर पानी भरा हुआ होता है वही आता है, बट जो बीच से आता है ना अंदर से, लाइक इसको हो गुजराती में तो लाइक झरना बोलते हैं और हिंदी में मेरे को मालूम नहीं, बट ये पानी ड्रिंकेबल होता है, लाइक ड्रिंक भी कर सकते हो नॉर्मली, यहाँ के लोग भी यूज़ करते हैं। और इतना ठंडा होता है क्योंकि इधर हमारा विंटर में आने का हुआ, तो डेफिनेटली आप लोगों को उस टाइम पे बताऊंगा और आप लोगों को इस दिनों मालूम ही होगा मोस्टली। बट यहाँ पे देखिए गाइस ये काफ़ी चलती है डिफेंडर, इंडियन डिफेंडर। हम लोगों ने नाश्ता वास्ता तो कर लिया रखा है इस रास्ते में, वहाँ पे कुछ भी सूट नहीं कर पाए हम लोग क्योंकि बारिश ही इतनी है कि कार में बैठ के हम लोग ने जो भी पार्सल लाए थे वो तो खा लिया। बट गाइस जैसे ही ऊपर चढ़ रहे हैं ना हम लोग, बारिश तेज हो रही है, तो अपनी ट्रिप तो ये मानसून की मेरे को लगती है कि पहली फ्लॉप कर होनी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाके भी नीचे ना निकल पाए। तो मैं तो एक्स्ट्रा पैर लेके आया हूँ क्योंकि वो पहन के भीग सकता हूँ, फिर चेंज कर लेंगे, बट वही है कि फिर तबीयत वबीयत भी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा कि बारिश ही कम हो जाए तो अपना ऊपर काम हो जाए, लाइक सनसेट पॉइंट पे जाएंगे तो फिर जाके कोई मतलब ही नहीं इतनी बारिश में, क्योंकि ऊपर जाके कुछ विजिबल होने वाला है नहीं, सनसेट दिखने वाला है नहीं, और प्रॉपरली बारिश ही इतनी होगी कि नीचे कार से तो बाहर उतर भी नहीं पाएंगे। तो एक ऑप्शन है अपने पास, पूरे भीग के घर जाए या फिर कार में बैठ के ही घूम के आ जाए, ऐसा ही सीन है। अभी जाके देखना पड़ेगा ऊपर की क्या ही सीन है, बट हाँ रास्ते में हम लोगों ने खमन ढोकला और ये सब कुछ तो खा लिया। और गाइस व्यू की बात करें यहाँ का क्रेजी है मानसून में, वैसे भी एज ऑलवेज पहाड़ों में तो व्यू विंटर तक क्रेजी होता है। हाँ हालांकि समर में आप लोग आओ तो कुछ देखने लायक नहीं होता है, बट अभी तो भाई एक नंबर है, लाइक अभी इतना क्लाउडी और ये सब कुछ नहीं होगा, बट ऊपर जाके देखते हैं गाइस ऊपर तो डेफिनेटली क्लाउडी एकदम क्रेजी होगा, और वहाँ का व्यू देख के आप लोग डेफिनेटली मेस्मराइज हो जाओगे और काफ़ी मज़ा आएगा ऊपर जाके, देखते हैं क्या ही सीन बनता है। सो गाइस अभी हम लोग अंदर एंटर तो हो चुके हैं सापूतारा में, एंड देखिए गाइस वेदर यहाँ का काफ़ी क्रेजी है, देखिए ना क्या ही मस्त लग रहा है, लाइक जबरदस्त। बट यहाँ पे लैंडस्लाइड काफ़ी होती है, तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन वॉल बना दी वो लोगों ने, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि अगले साल हम लोग आए थे ना, बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे यहाँ पे, देखिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े रास्ते में आ गए थे, तो काफ़ी रिस्की हो जाता है। और ये टर्न ना बहुत ही डेंजर है गाइस, एज़ यू नो कुछ ही दिन पहले यहाँ पे बस भी नीचे गई थी खाई में, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है यहाँ पे। सो गाइस देखिए ये रही बस जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्रॉपर नीचे चली गई थी, सब कुछ ही ख़त्म यार। और ये रोड ही ऐसा है, ये टर्न देखिए काफ़ी रिस्की है यार, नया ड्राइवर हो तो रिस्क बढ़ जाता है, तो संभाल के चलाना काफ़ी ज़रूरी है। बट अभी चलते हैं ऊपर, एंड फॉग भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एकदम टॉप पे, टेबल टॉप पॉइंट कहते हैं यहाँ का, बट विजिबिलिटी के नाम पे जीरो है, अभी जाके तो देखते हैं क्या ही सीन है क्योंकि आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने गॉगल्स भी निकाल दिया एक्चुअली इसी कारण। और गाइस डीजल बनवाना हम लोग भूल गए थे रास्ते में, यहाँ से ही हम लोगों ने ले लिया डीजल, अगले टाइम संडे को आए थे हम लोग अगले साल, यहाँ तक पूरा ही ट्रैफिक था, बट इस टाइम हम लोगों ने आइडिया लगा कि सैटरडे आए,
सैटरडे ना आते तो वीकडेज में ही आते, अदरवाइज आप लोग भी प्लान करते हो ना वीकडेज में आओ, वीकेंड में बिल्कुल भी मत आओ गाइस, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक होती है यहाँ पे, और आगे देखे तो बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर हम लोग जा तो रहे अभी, बट होप्स हो कि वहाँ ऊपर जाके लाइन ना हो ताकि हम लोग आराम से ऊपर एंजॉय कर सके। तो चलते हैं अभी ऊपर एकदम, एंड देखते हैं क्या ही माहौल बनता है आगे, क्योंकि बस बस तो जाती नहीं ऊपर, तो बस वाले और ये सब कुछ यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। और देखिए ऊपर से बस आ रही है अभी, और बंदे भी बीच में बैठे हुए हैं, यार कहाँ से लेके जाए गाड़ी, शायद से जाने देते हैं या फिर टिकट्स लेते हैं, यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ से पैसे देते हैं और निकलते हैं ऊपर। ऊपर की भी नॉलेज नहीं है कहाँ पे क्लच छोड़ना है, रिवर्स पे रिवर्स आया जा रहा था साला, क्या ही गुंडा बनेगा ये। और ऊपर देखिए गाइस फॉग क्या ही खतरनाक है, और नीचे से ही हम लोग रिसिप्ट दे के आ चुके हैं तो अच्छा है, तो अभी जाके ऊपर चेक करते हैं वहाँ पे। फाइनली पहुँच तो चुके हैं ऊपर, क्योंकि गाइस आगे वाले कार वाला जो अच्छा ना हो ना तो वही सीन हो जाता है काफ़ी बुरा। तो अभी लगाते हैं अंदर कार को और निकलते हैं अंदर। सो गाइस कार तो अपनी यहाँ पे लगा दी है, बट मैं तो कुछ रेनकोट टाइप लेके नहीं आया, ये बंदा मस्त पोंचो लेके आया मस्त, अभी इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जादू जैसा चलेगा, मेरा एक पंगा हो गया, बट कोई नहीं, अपनी सिंड्रेला भी यहाँ पे पार्क कर दिया सेफली, तो अभी चलते हैं आगे। अभी भीग भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट पार्किंग देखिए एकदम फुल गाइस, कुछ दिखेगा घंटा का टैब सनसेट पॉइंट, बट जाके देखते हैं आगे भी। और गाइस देखिए नई वाली जो एनिवर्सरी एडिशन है अबूजा है वो भी आ चुकी है यहाँ पे, कुछ पीछे नहीं है गुजरात में, देखिए एनिवर्सरी एडिशन जो कि जत पर जत पाजी ने ली थी, ये गजब का है यार। लेकिन इसकी नज़र किधर और है, तेरी नज़र यहाँ पे आके तो लाइक मेले वाली फील ज़्यादा आती है सनसेट पॉइंट से ज़्यादा, तो लाइक टेबल टॉप पॉइंट कहते हैं, बट मेले में आए हुए ऐसी ही फील आती है, देखिए ना हर जगह पे ऐसा है छोटे बच्चों का। और गाइस सामने देखिए सब कुछ मैगी पॉइंट टी पॉइंट और ये सब कुछ ही है। और गाइस हम लोग ये असली ऑफ रोडिंग तो यहाँ पे कर रहे हैं, अच्छा है कि रबर वाली स्लीपर पहन के आया, और क्रॉक्स होते तो और अच्छा होता, बट कोई नहीं इसमें भी अच्छा है, शूज वूज पहन के आया तो उसके तो लग गए एल बड़े वाले। और देखिए ना गाइस ऐसे कुछ है यहाँ पे लाइक बाइक वाइक और ये सब कुछ, बट मेले में आए हुए ऐसा ही लगता है मेरे को यहाँ पे, तो लाइक टेबल टॉप पॉइंट या हिल स्टेशन वाली तो वाई भी नहीं है, सिर्फ फॉग है, बट कोई नहीं अभी आगे चलते हैं। और गाइस बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, बट आगे गरबा चल रहा है, देखिए गुजरात में है और आपको गरबा और ये सब कुछ ना मिले करते हुए लोग तो हो ही नहीं सकता। और आगे यहाँ पे कार लेके तो आ सकते हैं हम लोग, बट विजिबिलिटी कम है, और अपनी कार है एक्चुअली ब्लैक जो काफ़ी दिक्कत देती है, वाइट तो विजिबल हो जाती है देखिए, अदरवाइज यहाँ पे आगे ब्लैक कार है खड़ी दिखती ही नहीं है, वो ही एक ड्रॉबैक है ब्लैक कार का। पर अभी चलते हैं आगे देखते हैं क्या ही सीन है। और यह टेबल टॉप पॉइंट पे है, बट यहाँ पे गरबा और ये सब कुछ चल रहा है, लाइक गुजरात में हो और गरबा और ये सब कुछ ना मिले वो तो हो ही नहीं सकता। आगे है अभी ऊपर ट्रैक करके भी जाना होता है, बट वहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है तो वो एक बड़ा ड्रॉबैक है, बट आगे चलते हैं अभी इतना कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली, बट हम लोग आगे चलते हैं आगे क्या ही सीन है वो देखते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं तो वहाँ जाते हैं कार लेके और वहाँ पे पार्क करके हम लोग ट्रैक करके ऊपर जाते हैं। लास्ट टाइम उबेद के साथ आया था वो कभी गया था, बट उस टाइम पे विजिबिलिटी थी क्योंकि बारिश थी तो विजिबिलिटी होती है, बट बारिश नहीं है और फॉग है तो विजिबिलिटी बिल्कुल भी जीरो हो जाती है। बट अभी चलते हैं आगे क्या ही सीन बनता है वो देखते हैं, आगे कुछ भी ना देखा तो सीधे खाई में ही चलते हैं, तो कार को लेके जाना रिस्क तो ले ही नहीं सकते अपन, अदरवाइज लग जाएगी अपने लैंडर। और गाइस आज इसकी बर्थडे है और केक भी ऑर्डर करी थी हमने, मिल चुकी है देखिए। बढ़िया वाली केक मिल गई तेरे लिए। तो गाइस ये जगह तो वर्थ है आने को, बट अपने पास एक बड़ी सी एसयूवी है कुछ होता है तो लाइक हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक कैंपिंग वैम्पिंग के लिए बेस्ट प्लेस है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मस्त साइज टेंट लगा दिया, तो पूरे दिन भी हम लोग चिल कर सकते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आके। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कैंपिंग करना तो आ सकते हो यहाँ पे, लाइक टेम्पररी आप लोग कर सकते हैं, नाइट स्टे के लिए तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ के कुछ परमिशन या कुछ तो रूल्स हो गए, बट वही सीन है, बट कुछ दिख नहीं रहा शायद से ऊपर से जीप लाइन और ये सब कुछ है, तो देखते हैं आगे क्या ही सीन है। और गाइस यहाँ पे एक्चुअली जीप लाइन और ये सब कुछ भी चल रही है एक्चुअली, बट क्या ही कुछ भी विजिबल नहीं है, तो क्या ही सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है फॉग में तो डेफिनेटली, क्योंकि जीप लाइन में आप लोग जाओगे तो आपको विजिबल तो कुछ नीचे का व्यू रहेगा नहीं,
तो कुछ वर्थ नहीं है आज। आज करने मेरा काफ़ी मन था जीप लाइन या सब कुछ करने का, कुछ एडवेंचर करते हैं मैंने सोचा, बट अभी गोवा जाने वाले हैं तो वहाँ पे ही करते हैं, यहाँ पर कुछ मौसम तो इतना अच्छा है बट कुछ विजिबल नहीं है तो क्या ही करें अभी। तो चलते हैं अभी पार्किंग की तरफ एंड देखते हैं क्या ही सीन बनता है वहाँ जाके, या फिर इस साइड पे हम लोग कार लेके आते हैं क्योंकि यहाँ पे मस्त कार लगा के बैठ सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं एक्चुअली। बट अब यहाँ पे फॉगी इतना है तो फोटो तो आएगी नहीं अच्छी वाली, वो ही सीन है, बट कुछ नहीं अभी जाके देखते हैं। सो गाइस बाहर घूम के तो हम लोग आ चुके हैं, फॉग काफ़ी ज़्यादा है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। टेम्परेचर दिखाता हूँ आप लोगों को, 21। तो यहाँ पे ऐसा वेदर है, अपने यहाँ पे ऐसा हो तो क्या ही मज़ा आ जाती, बट गुजरात में ये नज़दीक है बट वेदर का यही डिफरेंस रहता है हिल स्टेशन और नॉर्मल एरिया में। बट यहाँ पे पब्लिक धीरे धीरे बढ़ रही है अभी, तो नीचे जाना ही वर्थ रहता है, ताकि ऊपर ही रहेंगे हम लोग तो नीचे ट्रैफिक हो जाएगा और ऊपर आने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, नीचे भी नहीं जाने देंगे, फिर इधर ही स्टक हो जाएंगे। तो ये तो घूम लिया हम लोगों ने, कुछ विजिबल नहीं है, देखिए सामने ये प्रॉपर कुछ बना रखा है बट विजिबल नहीं है, तो इसके कारण जो व्यू का मज़ा है ना वो ही इधर ख़त्म हो जाता है, सिर्फ आके घूम के चावा कॉफ़ी वॉफ़ी पी के निकल जाते हैं, तो ऐसा ही सीन है। बट अभी चलते हैं यहाँ से हम लोग नीचे और नीचे कुछ एंजॉय करते हैं, बोटिंग भी करने का कुछ वर्थ नहीं है क्योंकि आगे अंदर कुछ लेक में कुछ विजिबल ही नहीं है, तो क्या ही बोटिंग करके भी फ़ायदा, ऐसा ही सीन है। गाइस नीचे उतरते वक्त क्या है, कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है, अंदाजन ही लेना पड़ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। आगे लद्दाख वदाख जाते हैं तो कुछ अलग सा ही होता है ना सीन, लद्दाख का एक्सपीरियंस नहीं है बट ऐसा तो होता ही होगा शायद से, बट ये काफ़ी टफ लगा मेरे को कंपेरेटिव अदर्स। हम लोग किधर भी जाते इतना ज़्यादा तो नहीं होता, यहाँ पे ही एक ही जगह पे है, सनसेट पॉइंट पे ही थोड़ा सा रिस्की क्योंकि एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ नॉर्मल ड्राइवर होते हैं जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है इसे चढ़ने में, और वो मैनुअल लेके आया बंदा तो गया पीछे, वो तो डेफिनेटली है। तो कार में हील असिस्ट और ये सब कुछ भी होना काफ़ी ज़रूरी है, ऐसी चीज़ जगह पे आके समझ में आता है गाइस। तो अभी चलते हैं आगे और ढूंढते हैं कुछ नया। और देखिए गाइस यहाँ पे बोटिंग सब कुछ होती है, आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया हुआ है, बट एज यू कैन सी जीरो विजिबिलिटी। घूम लिया हम लोगों ने एंड वेदर भी अभी एकदम मस्त ओपन हो चुका है, फॉग हट चुका है ऑलमोस्ट, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे ही क्योंकि यहाँ पे घूमने लायक तो है नहीं, वो हम लोग जाने वाले थे सनसेट पॉइंट, बट सनसेट पॉइंट पे क्या चक्कर था कि बंद था सब कुछ ही, रोड ही क्लोज कर रखा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बट यहाँ से हम लोगों ने थोड़ी चॉकलेट्स वॉकलेट्स और ये सब कुछ ले लिया ताकि घर पे लेके जाना तो बनता है कुछ भी आए हैं तो यहाँ पे, और पोंचो लिया, बारिश में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 30 रुपीज़ का पैकेट है पोंचो का, काफ़ी वर्थ इट है, यहाँ पे आप लोग घूमने आओ और बारिश मिले तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, बचा सकते हैं नॉर्मल तो आपको बारिश से। और गाइस यहाँ है बोटिंग, एज यू कैन सी वहाँ पे बोटिंग चल रही है, बट इतने ज़्यादा पानी नहीं भरा है अभी तो ये प्रॉपर फुल हो जाएगा, प्रॉपर लेक ही फुल हो जाएगा, बाद में काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। आप लोगों चाहते हो ये सब कुछ करना एक्टिविटीज़ तो आप लोगों को आना पड़ेगा, अभी एक मंथ के बाद अगस्त में आना तो एकदम बेस्ट वेदर रहेगा यहाँ का। अभी अपने रह चुका है सनसेट पॉइंट जाना, बट सनसेट पॉइंट पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो अभी देखिएगा इस प्रॉपर वेदर खुल चुका है, ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था अभी तो हम लोग आए उस टाइम पे, बट अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे की तरफ और नीचे देखते हैं किधर भी व्यू अच्छा मिला तो रुकेंगे रास्ते में, बट वहाँ पे एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होता है नीचे तो रुकना इतना सेंस नहीं बनता क्योंकि सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेके ही चलना पड़ता है ऐसे हिली एरिया पे, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी वहाँ आप लोगों को आते वक्त बस बताई वो पूरी नीचे चली गई थी और काफ़ी लोगों की जान भी गई, तो वही सीन होता है गाइस यहाँ पे, तो ये सब कुछ संभाल के चलना पड़ता है, अदरवाइज काफ़ी रिस्की भी होता है। तो अभी जाके देखते हैं नीचे क्या ही सीन है, रात तक हम लोग पहुँच जाएंगे नीचे, बाद में हम लोग मस्त से कुछ डिनर करके घर पे निकल जाएंगे। और गाइस व्यू चेकआउट करें यहाँ से नीचे काफ़ी मस्त है, बट पुलिस वाले रोकने ही नहीं देते अभी तो यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हादसा होता रहता है, तो वही सीन है यहाँ का, यहाँ से नीचे से पूरा विलेज दिखता है गाइस। और गाइस फाइनली अपने को एक स्पॉट मिल गया यहाँ पे रुकने को, तो हम लोग रुक ही गए व्यू दिखाने के लिए स्पेशली आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले काफ़ी हैरान करते हैं तो रुक नहीं सकते हम लोग, बट यहाँ से देखिए पूरा नीचे की वैली पूरी दिख रही है, प्रॉपर विलेजेस है नीचे, हम लोग भी वहाँ से ही होके ऊपर आते हैं, बट यहाँ का व्यू ना अल्टीमेट है, अल्टीमेट कैमरे में तो क्या ही जस्टिस होगा
सामने से आओगे तो आप लोग डेफिनेटली मेस्मराइज हो जाओगे, क्योंकि जो सामने बादल है और प्रॉपर हिल्स है तो काफ़ी क्रेजी लगता है यहाँ का। देखिए गाइस, बस वो वाली मैं आप लोगों को बताया था कि सीधी निकल गई थी नीचे की तरफ, तो ऐसा कुछ एक्सीडेंट का कारण। हम लोग रुक चुके हैं दूसरे व्यू पॉइंट पे, एंड एज यू नो कि ड्राइविंग करते करते पहाड़ों में थक ही तो जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसे कुछ व्यू के साथ अपने पास एक घर हो तो क्या ही मस्त, लाइक विला टाइप, क्योंकि यहाँ पे व्यू देखिए ना काफ़ी क्रेजी है। एक्चुअली रुक नहीं सकते यहाँ पे, हर एक जगह पे बॉर्ड लगा रखा है, बट यार कान सुन हो गए, मालूम नहीं कैसे कान से कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है। बट गाइस यहाँ से आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, जो देखिए यहाँ का व्यू यार, ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है तो रहने के लिए अभी होटल्स और ये सब कुछ काफ़ी बन रही है यहाँ पे। एंड एज यू नो कि ऐसे पॉइंट्स पे लाइक ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल नहीं होती है, बट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डेवलप करती है तो आगे काफ़ी मस्त होटल्स और ये सब कुछ भी बन रहे हैं काफ़ी मस्त व्यू पॉइंट के साथ। एक बार हम लोग आए थे उबेद के साथ, एज यू नो उस टाइम के व्लॉग नहीं देखा होगा आप लोगों ने तो देख लेना, मानसून फेस्टिवल के टाइम पे, जो कि उस टाइम पे ना गाइस हम लोग रुके थे एकदम टॉप के ऊपर होटल के ऊपर, और एक नंबर व्यू था वहाँ से, और रात को तो कुछ दिखा नहीं पाया था और दिन में हम लोग निकल गए थे, बट व्यू कहाँ वहाँ का एक नंबर था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लाइक होटल से ऐसे, बट वर्थ इट होते हैं। फैमिली के साथ आओ तो एक बार प्लान ज़रूर करना। और गाइस यहाँ का व्यू देखिए, प्रॉपर वादिया एंड ऐसे, और यहाँ पे ऊपर मस्त कोई विला विला हो तो क्या ही मज़ा आ जाए, बट ऐसा ड्रीम तो यहाँ पूरा हो नहीं सकता अपना लाइक, बट इन फ्यूचर किधर ना किधर होगा ऊपर वाले ने चाहा तो। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं नीचे की तरफ, और गाइस कार देखिए अपनी इतनी गंदी हुई पड़ी है, बट कोई नहीं वॉश कर लेंगे, घर का ही सर्विस सेंटर है अपने पास। और गाइस ये वाइपर ना इतना वर्थ है ना, लाइक मैंने ऑनलाइन मंगवाया था आप लोगों को बताया भी था, और एकदम मस्त क्लियर करता है वाटर को, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वाइपर। अगर आप लोग भी चाहते हो ख़रीदना ये वाइपर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, कुछ पेड प्रमोशन नहीं है, आप लोग चाहे आपके भाई की एडवाइस लेके कर सकते हैं। और गाइस हाँ ऐसा जितनी गंदी नहीं हुई है, बट टायर्स गंदे हुए हैं कार के, तो अभी यहाँ रुकते हैं थोड़े बहुत टाइम एंड एंजॉय करते हैं, निकलते हैं नीचे घर की तरफ। तो गाइस रास्ते में हम लोगों को ऐसा एक वाटरफॉल टाइप मिल गया लाइक एकदम मस्त फ्रेश, तो अपन यहाँ क्या करते हैं कि अपने पैर धो लेते हैं, क्या भी गंदा पड़ा हुआ है पैर अपना, उधर उतर के मस्त एकदम, क्योंकि ये वाटर ना एकदम फ्रेश होता है गाइस, देखिए एकदम परफेक्टली धुल गई चप्पल। अब यहाँ का पानी एकदम फ्रेश होता है लाइक फेस वॉश भी आप लोग कर सकते हैं। और ये रही अपनी ब्यूटी, क्या ही मस्त लग रही है साइड लुक से, एलोइस चेंज हो जाएगा ना गाइस नंबर वन। देखिए ये भी अपना पैर धो रहा है यहाँ पे। सो गाइस एज यू नो आप लोगों ने देखा होगा आगे हम लोगों ने मस्त पानी आ रहा था ऊपर से लाइक वाटरफॉल टाइप छोटा सा, वहाँ पे अपने पैर और ये सब कुछ धो लिए, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ कुचड़ बहुत था तो पूरा पैर वो हो गया मिट्टी वाला, तो हम लोगों ने मस्त वॉश कर लिया यहाँ पे, क्योंकि आगे जाके अपने को जाना भी है, कुछ काम भी है दो तीन। और गाइस हाँ पहाड़ का मजा यही है लाइक कि नेचुरल वाटर और ये सब कुछ रास्ते में मिल जाता है, आपको किधर भी रोकने की ज़रूरत नहीं है लाइक फेस वॉश करना हो कुछ भी हो, लाइक पहाड़ों से पानी आता है मानसून में क्रेजी एकदम, एंड ठंडा होता है क्योंकि ऊपर स्टोरेज होता है और वो बीच में पत्थरों से होके हो जाता है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, तो एक मस्त बात है। लाइक अंदर से कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि लाइक लोग पीने के लिए भी भरते हैं अपने लिए, क्योंकि नेचुरल वाटर ना एकदम हेल्दी और काफ़ी मस्त होता है, आप लोगों को मालूम है लाइक हम लोग वैसे मिनरल वाटर ये सब कुछ पीते हैं, बट यहाँ के लोग क्यों ही स्ट्रांग होते हैं क्योंकि ये सब वाटर ही पीते हैं और नेचुरली खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नेचुरली होता है और स्पेशली मानसून में ही खेती और ये सब कुछ भी होता है, तो एक एडवांटेज काफ़ी है पहाड़ों में, बट इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है यहाँ पे लाइक आप लोग समझ लो कुछ भी चाहिए आपको अवेलेबल इजीली नहीं होता, ये तो नज़दीक का प्लेस है बट आप लोगों के वहाँ भी पहाड़ हो गए आप लोगों को ये सब कुछ नॉलेज हो गई, बट गाइस ये पानी ना अपने को सिर्फ विंटर तक मिलता है, समर में सब कुछ खत्म हो जाता है और विंटर मिड विंटर तक रहता है ये पानी, मैंने देखा हुआ है।
तो आप लोग भी ऐसे कुछ प्लान करो जरा हो तो ऐसे वाटर आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। अभी तो हम लोग हैं ऑन द वे एंड बीच में आने वाला है गीरा वाटरफॉल, बट हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि अभी शाम का टाइम भी हो चुका है और रुकने का कोई सेंस नहीं बनता वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बार मैंने वीडियो में भी दिखाया हुआ है वाटरफॉल। तो वहाँ पे वैसे ही रोकेंगे, वैसे स्ट्रेच ब्रेक लेंगे और देखते हैं आगे क्या ही प्लान होता है अपना, क्योंकि सब कुछ जो भी दिखाने लायक था वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, पसंद आया तो लाइक जरूर कर लेना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गोवा ट्रिप डेफिनेटली आने वाली है गाइस थोड़े ही टाइम में, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। वो प्रॉपर रोड ट्रिप होने वाली है, अभी गोवा की है उससे आगे की है वो तो आप लोगों को आने वाले टाइम में ही पता लगेगा, बट हाँ साउथ साइड हम लोग जाने वाले हैं और क्रेजी ट्रिप आने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।